हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपलीफाइड केमिस्ट्री. क्लियर? सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव कम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइपोल मोमेंट. सो आर यू गाइस ऑल रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट? सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्यों फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं. बाद में मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप कोई भी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. एक फॉर्मूला के ऊपर से न्यूमेरिकल्स है तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे. इट मींस पूरा जितना भी टॉपिक है डायपोल के रिलेटेड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के रिलेटेड, पूरा ये वीडियो के अंदर आ जाएगा. ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है बट आखिर तक देखना, आपको ट्रिक भी मैं जरूर बता दूंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है. ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायपोल मोमेंट. सो डायपोल मोमेंट समझाने से पहले दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो हमने ऑलरेडी आगे देखे हैं. एक टाइप होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. दोस्तों एक को क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो हमें पता है कि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इधर नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इधर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है. जैसे मैं बात कर रहा हूं H2 की, इसमें दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उन दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये शेयरिंग कहीं पे शिफ्ट नहीं होती है. क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है. क्लियर? इसको क्या कहा जाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. बट जब हम बात करते हैं HCl की, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? तो आपको पता है इधर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो शेयरिंग है वो पार्शियली ड्रैग होता है किसके टूवर्ड्स? क्लोरीन के टूवर्ड्स. एंड क्लोरीन अक्वायर करता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन अक्वायर करता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. तो दोस्तों आप देख सकते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन पर्टिकुलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसके ऊपर आप देख सकते हो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं. क्या डेवलप होता है? पार्शियल चार्जेस. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव. एंड इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. इट मींस आपने देखा था कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है. तो इधर भी नॉट कंप्लीटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, बट पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कंप्लीटली कोवेलेंट नेचर नहीं होगा उसका, उसके अंदर थोड़ा आयनिक नेचर भी होता है. मैंने समझाया क्यों आयनिक नेचर होता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज डेवलप होते हैं. जैसे चलिए बात करते हैं हम H2O की, तो इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी दोनों में ज्यादा है, तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, उसके ऊपर -2 डेल्टा चार्ज आएगा, +डेल्टा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है दोस्तों, ये समझिएगा. अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए वह पार्शियल, ये डेल का साइन क्या दिखा रहा है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. इट मींस हमें ये पता चला कि भाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीटली पोलर कोवेलेंट जो है वो कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी होता है. उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी होता है. ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आयनिक कैरेक्टर होता है? तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करने के लिए दो साइंटिस्ट ने बहुत वर्कआउट किया. ओके, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करने के लिए दो साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है. ओके, उसमें से पहले साइंटिस्ट थे पाउलिंग एंड दूसरे साइंटिस्ट वो दोनों ने साथ में मिलके किया था, वो एक है हेने एंड स्मिथ. वो साइंटिस्ट का नाम है हेने एंड स्मिथ. ये दोनों साइंटिस्ट, इट मींस ये दोनों टीम ने
ओके अलग अलग फॉर्मूला दिया है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, आप ये दो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, ये दो फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूलास क्या है तो मैं बताता हूं। तो पॉलिंग जी ने क्या बताया, तो फर्स्ट में फॉर्मूला बता रहा हूं पाउलिंग की, ओके पाउलिंग फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, तो बच्चों देखना 18 इंटू काय ए माइनस काय बी आप एक्स ए एक्स बी रेज टू 1.4 ऐसा दिया। एंड इसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। ये काय ए एंड काय बी क्या है दोस्तों, तो काय ए एंड काय बी, इसे काय ए एक्स एक्स बी बोलो तो भी चलेगा, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आपको HCl के अंदर कितना परसेंटेज कैरेक्टर है वो फाइंड करना है तो आप इधर क्या करोगे 18 लिखोगे, काय ए आपको H की सॉरी जो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, तो AClआएगा, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेस टू 1.4, ये आपका इक्वेशन है। ये किसने दिया, पाउलिंग जी ने ये इक्वेशन दिया है, ठीक है दोस्तों। दूसरा इक्वेशन जो है वो हैने एंड स्मिथ ने दिया है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो ये इक्वेशन मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में सही है क्योंकि इसमें पावर पे 1.4 आता है तो वो थोड़ा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है 16 इंटू काय ए माइनस काय बी, 16 दिख रहा है ना, 16 इंटू काय ए माइनस काय बी, ओके लिखा आपने इतना, प्लस 3.5 इंटू काय ए माइनस काय बी होल स्क्वायर, ओके दिख रहा है, ओके क्लियर। तो क्या होगा आपका कभी 16 माइनस काय 16 इंटू काय ए माइनस काय बी प्लस 3.5 काय ए माइनस काय बी होल स्क्वायर। तो ये हैने एंड स्मिथ ने परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला दिया एंड पाउलिंग ने परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का ये फॉर्मूला दिया दोस्तों। तो ये दो फॉर्मूला के ऊपर से आप कोई भी कंपाउंड की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी गई है तो आप आराम से उसका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके ऊपर से कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो मैं राइट साइड रख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके तो मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में ले रहा हूं, आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपको फाइंड करना है दोस्तों, समझिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, इन यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन CCl बॉन्ड, CsCl बॉन्ड, CsCl बॉन्ड, सीजियम एंड क्लोराइड के बीच में एक बॉन्ड है, उसमें आपको फाइंड करना है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ CS एंड CL आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको CS की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, आपको CL की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, आपको CsCl बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, सेकेंड वाला सही रहेगा। तो मैं लगा देता हूं इधर, देखिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 काय ए माइनस काय बी प्लस 3.5 काय ए माइनस काय बी होल स्क्वायर। तो आप 16 लगाओगे, एक किसी को भी ले सकते हो आप, तो आपको CS लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा या तो इसको लोगे तो भी ज्यादा बेटर रहेगा, ओके इधर 0.3 नहीं आएगा, Cl का आपको पता है 3 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3 है ये, ओके तो आप पहले A को, A ज्यादा ही है वो ही लो, ठीक है, तो ये 3 ले रहा हूं मैं, ये 0.7, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए वो ही ले लो आप, ठीक है, तो प्लस क्या करेंगे 3.5 इंटू 3 माइनस 0.7 होल स्क्वायर, ये जो भी कैलकुलेशन करोगे ये जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज होगा 55.31 समथिंग आएगा, तो इतना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ये पर्टिकुलर बॉन्ड में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो ये कैसे आया ये हमें प्रूव नहीं करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भाई हमने देखा कोई भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है, उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर रहता है? डेल्टा काय। डेल्टा काय क्या होता है? काय ए माइनस काय बी। इसको एक्स ए बोलो तो भी चलेगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो मेन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होता है दोस्तों वो डेल्टा एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। एंड उसका नेचर कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टेबल आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही आपको यूजफुल रहेगा एंड बहुत ही आपके काम में आएगा। तो अगर कोई डेल्टा एक्स मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी जीरो रहेगा एंड नेचर क्या रहेगा? कंप्लीटली कोवेलेंट। नेचर क्या रहेगा? कंप्लीटली कोवेलेंट होगा। इट मींस ये नॉन पोलर की बात की हमने जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी कुछ नहीं होगा, वो भी तो जीरो ही रहेगा दोस्तों, है ना पते की बात। ओके, अगर हम बात करते हैं कि ये 0.1 से 0.8 के बीच में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.1 से लेके 0.8 के बीच में है, तब जाके ये 0.5 से 15 तक का परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। क्लियर? ओके, तो मोस्टली ये क्या होते हैं? लार्जली कोवेलेंट विथ स्मॉल पोलारिटी। बहुत ही कम पोलारिटी होती है, आप देख सकते हो 0.5 to 15% बहुत ही कम अमाउंट है। क्लियर? तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो उनकी पोलारिटी बहुत कम होगी। अगर 0.8 से लेके 1.6 तक हम कंसीडर करें तो 19 to 17% ऑफ आयनिक कैरेक्टर हो जाता है एंड उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो पोलर कोवेलेंट नेचर होता है उसका। कैसा नेचर होता है? पोलर कोवेलेंट। एंड अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर 50% होगा। तो आप दोस्तों देख सकते हो, तो ये क्या होगा? 50% आयनिक होगा उसके अंदर एंड 50% क्या रहेगा? कोवेलेंट। 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट रहेगा। एंड अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से 3.2 के बीच में है तो 55 से 93% के बीच में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर रहते हैं एंड ये लार्जली आयनिक कहा जाता है। लार्जली आयनिक बॉन्ड को आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये आप याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डेवलप करता है, डिपेंड करता है एंड उसका नेचर भी होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो वो कंप्लीटली कोवेलेंट होगा, 0.1 to 0.8 तो वो ज्यादातर कोवेलेंट होगा, थोड़ा सा उसका पोलारिटी होगा बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोलारिटी ये डिफरेंस में मिलता है 0.8 to 1.6, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट रहेगा एंड 1.8 टू 3.2 है तो 55 to 93%। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच बिग अमाउंट। सो ये मोस्टली क्या रहेगा? लार्जली आयनिक रहेगा। लार्जली क्या रहेगा दोस्तों? आयनिक रहेगा। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। ओके, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ज्योमेट्री बताऊंगा। ओके, हमें दो टाइप के कंपाउंड पढ़ने होंगे, ये देख लेना, ये आ गया तो आपका काम पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक होता है रेगुलर ज्योमेट्री एंड एक होता है इरेगुलर ज्योमेट्री। ये आप खाली समझ लेना। इसे क्या कहते हैं कि भाई रेगुलर ज्योमेट्री, ओके, एंड दूसरा क्या होता है? इरेगुलर ज्योमेट्री। तो इनकी कंडीशंस क्या है समझ लेना। तो कंडीशंस क्या है इनकी, ये खाली आप समझ लेना, किसको हम रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स कहेंगे एंड किसको हम इरेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो कंडीशंस क्या है मॉलिक्यूल्स की? तो पहली तो बात, रेगुलर ज्योमेट्री किसे कहा जाएगा? तो जो मॉलिक्यूल के अंदर, खाली समझ लीजिए, जो मॉलिक्यूल के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है,
कोई लोन पेयर नहीं है वो मॉलिक्यूल के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, जनरली रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाता है। साथ में खाली अकेला लोन पेयर नहीं हो तो ही नहीं चलेगा, साथ में आपको ये याद रखना है कि उसकी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ इट मींस ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ मस्ट बी सेम, सारी बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सारी बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर ऑल सेम सराउंडिंग एटम्स, उसके आजू बाजू सारे जो सराउंडिंग एटम्स होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए, तब जाके पॉसिबल होगा। ओके, एंड खास खास याद रखना कि ये वो जो होता है मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के साथ ही फॉर्म करता होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड विथ सेम एटम, मल्टीपल बॉन्ड विथ सेम एटम के साथ ही उसके मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए, तब जाके वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है ऐसा कहते हैं। चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उसे इरेग्युलर ज्योमेट्री कहा जाएगा, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उसे इरेग्युलर ज्योमेट्री कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो अभी आप देखिए मैं बात कर रहा हूं H2O, तो H2O के अंदर बात करें तो O के पास दो लोन पेयर होती है, तो ये जो है वो इरेग्युलर ज्योमेट्री का टाइप हो गया। अगर मैं बात करता हूं CH4, तो पहले तो देखिए इसमें कोई लोन पेयर है नहीं है, फिर आप देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अभी स्ट्रक्चर वक्चर पता करना तो आपको आता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है तो उसके अंदर चारों CH बॉन्ड लेंथ भी क्या आती है, सेम आते हैं, ये तो आपको पता, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम है, लोन पेयर भी नहीं है, चारों जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सभी सेम है, जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सभी सेम है, तो इसे क्या, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड वो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो तो सेम एलिमेंट के साथ ही होना चाहिए, इधर तो नहीं है, इट मीन्स चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये हो गया रेगुलर ज्योमेट्री। CH4 किसका एग्जाम्पल होगा, रेगुलर ज्योमेट्री का। अगर मैं आपको बता रहा हूं CH3Cl, आप समझिए CH3Cl, तो इसमें ये बॉन्ड लेंथ सेम नहीं रहेगी, एंड आप देख सकते हो सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, एक सीएल आ गया, तो ये क्या हो गया, इरेग्युलर ज्योमेट्री। अगर ये चार में से एक भी फुलफिल नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे, इरेग्युलर ज्योमेट्री कहेंगे दोस्तों। एंड अभी समझ लेना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ओके, कि जो भी कंपाउंड का रेगुलर ज्योमेट्री होता है, जो भी कंपाउंड का रेगुलर ज्योमेट्री होता है वो नॉन पोलर होते हैं, एंड इरेग्युलर ज्योमेट्री होता है वो सारे पोलर होते हैं। तो आप इससे ही पता कर सकते हो, ज्योमेट्री के बेस से ही पता कर सकते हो कौन सा नॉन पोलर कंपाउंड है, कौन सा पोलर है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री आई तो वो क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड, एंड अगर इरेग्युलर ज्योमेट्री आई तो आप कह सकते हो वो पोलर होगा। तो इसलिए H2O क्या है, पोलर है, CH4 क्या है, नॉन पोलर है, CH3Cl क्या है, पोलर है। अगर NH3 की बात करें, अभी चलो आपको NH3 दिया है, तो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, आपको स्ट्रक्चर में पता है कि नहीं पता है दोस्तों, पता है कि एक लोन पेयर होता है, तो उसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर आ गया तो वो पोलर हो गया, इरेग्युलर ज्योमेट्री इट मींस पोलर हो गया। चलिए बताइए PCl5, तो PCl5 की बात करते हैं, तो फास्फोरस के पास कोई भी लोन पेयर तो बचेगी नहीं, अभी इसका ज्योमेट्री तो आपको पता ही है ऐसा होता है ClCl, तो सराउंडिंग एटम भी सेम है, सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है, क्लियर, तो ये कौन सा हो गया, रेगुलर ज्योमेट्री, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। तो कुछ भी फाइंड किए बिना अगर आपने ये याद रखा दोस्तों कि ज्योमेट्री किसकी रेगुलर है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूं डायपोल के बारे में। पहले आप कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, आप इससे बहुत ही आराम से फाइंड कर सकते हो कि वो कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है दोस्तों। ठीक है, तो पोलारिटी आप इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हो, सिंपल याद रखना है, रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो नॉन पोलर होगा, इरेग्युलर ज्योमेट्री होगी तो पोलर होगा। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री के लिए चारों कंडीशन होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अभी के ये सर डबल बॉन्ड वाला एक एग्जांपल दे दो ना, ये आप देख सकते हो, ओके, डबल बॉन्ड वाला ये एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड CHHHH, तो आप देख सकते हो उसके साथ ही डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम, सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम है, समझ रहे हो, यस और नो, ओके। तो ऐसी जो बातें होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों।
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट आप समझ लेना, रेगुलर ज्योमेट्री मींस नॉन पोलर कंपाउंड, इरेगुलर ज्योमेट्री पोलर। आपको अगर कोई भी ऑप्शन पूछा जाए, जैसे CO2 पूछा गया, तो CO2 का शेप आप स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, तो लोन पेयर तो होता है। तो फिर अभी इससे लोन पेयर है, कुछ ऐसे कंपाउंड है कि जिसमें लोन पेयर है फिर भी वो आप कह सकते हो नॉन पोलर है। अभी कुछ ऐसे कंपाउंड है कि जिसमें लोन पेयर नहीं है तो फिर भी वो पोलर है, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमें डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है? हमें डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। ओके, तो ये अभी चलो पोलारिटी तो है, बट कितना पोलर है, कितना परसेंटेज, कितना पोलर है, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, मैं आपको समझाता हूं अभी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि पहले तो कि सर डाइपोल किसे कहते हैं? तो डाइपोल नाम से ही पता चलता है, डाय मीन्स टू पोल्स जनरेट होते हैं। तो टू पोल्स कैसे जनरेट होते हैं? तो सर ने बताया ना कि भाई HCl है, तो Cl पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो टू पोल्स जनरेट हुए दोस्तों। क्या जनरेट हुआ? दो पोल्स जनरेट हो रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट आप कह सकते हो वो पोल्स के कारण, वो पोल्स जो जनरेट हो रहे हैं इसकी वजह से आप कह सकते हो कि एक डायपोल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है दोस्तों? डायपोल जनरेट हो रहा है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है, ठीक है। तो ये डायपोल जनरेट हो रहा है, समझ में आ गया सबको? क्लियर। तो डायपोल क्या होता है, क्यों डेवलप होता है, किसमें डेवलप होगा डायपोल? ये पोलर कंपाउंड के अंदर ही होगा। अभी इसको मेजर कैसे करें? तो पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बारे में क्या लेते हैं? हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो जनरली किसमें पाया जाता है डायपोल? तो आप कह सकते हो कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ही पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ही पाया जाता है, एंड वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। इसे बहुत समझना, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि डायपोल एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शनल होती है। वो कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है, वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन में होती है। तो हमेशा याद रखना इसकी डायरेक्शन कहां होती है। क्लियर। तो इसकी जो डायरेक्शन है, अभी समझिए। तो पहले तो इसको, चलिए आपको मैं पहले बेसिक से समझाता हूं कि भाई ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डायपोल पाया जाता है। अभी डायपोल इट मींस पोलर है, ये तो पता चल गया, बट कितना पोलर है, कितना पोलर है, वो आपको किससे पता चलेगा? डायपोल मोमेंट से पता चलेगा। वो किससे पता चलेगा आपको? डायपोल मोमेंट से पता चलेगा, एंड डायपोल मोमेंट को म्यू कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, एंड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पी कहा जाता है। फिजिक्स के अंदर पी कहा जाता है, इसके अंदर म्यू कहा जाता है। ओके, उसका सिंबल म्यू है, एंड म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी, ये फॉर्मूला इसका होता है। इट मीन्स मान लो कोई दो एटम है, जैसे ए और बी, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है एंड उनके ऊपर कितना सा चार्ज है। ओके, ये डिस्टेंस इंटू चार्ज आपको डायपोल मोमेंट देगा। डिस्टेंस इंटू चार्ज आपको क्या देगा? डायपोल मोमेंट देगा। बट दोस्तों डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको उसके ऊपर एरो दिखाना पड़ेगा, ऐसा पता है ना, वेक्टर के ऊपर दिखाते हैं। क्लियर। इसमें चार्ज, ये क्यू क्या होता है? चार्ज ऑफ एनी कंपाउंड, चार्ज ऑफ एनी, आप देख सकते हो वन एटम, चार्ज ऑफ एनी वन एटम, एंड ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, आप देख सकते हो ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम एंड चार्ज ऑन वन एटम। क्लियर, आपको पता चल गया। क्लियर। तो इसका डायरेक्शन आपने बताया, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? तो दोस्तों खास याद रखना कि इसका डायपोल, ये का ये सिंबल है, ये कट, एरो को कट करना पड़ेगा ऐसे, ये डायपोल का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? डायपोल का सिंबल है,
एंड डायपोल कौन सी डिरेक्शन में होता है, तो वो आपको हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की डिरेक्शन में होगा। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, इसकी ज्यादा है, तो उसको ये डिरेक्शन में ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये एक डायपोल है वो हमें पता चलेगा। क्लियर, बहुत ही इजी है। अगर कोई लोन पैर है दोस्तों मेरे, अगर कोई लोन पैर है इसके अंदर, तो आपको हमेशा न्यूट्रल एटम से लोन पैर, न्यूट्रल एटम से टू लोन पैर आपको डायपोल मोमेंट दिखानी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर देना, न्यूट्रल एटम से लोन पैर आपको डायपोल मोमेंट दिखानी होगी। क्लियर, ओके। अभी डायपोल मोमेंट को हम म्यू कहते हैं, डायपोल मोमेंट को, मीन्स कितना पोलर है उससे पता चलता है। किससे पता चलता है? इससे पता चलता है कितना पोलर है, वो आपको इससे पता चलेगा। अभी ये जो म्यू का जो यूनिट है उसे कैपिटल डी कहा जाता है, जिसे कहते हैं डिबाय, जिसे क्या कहते हैं हम, डिबाय कहते हैं। एंड वन डिबाय ये इज इक्वल टू, खास याद रखना पड़ेगा आपको, 3.33 × 10⁻³⁰ × 10⁻³⁰ कूलम्ब इंटू मीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब इंटू मीटर है। क्या है? कूलम्ब इंटू मीटर। आप चार्ज को कूलम्ब में ले रहे हो एंड डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हो, तो कूलम्ब इंटू मीटर होगा। अगर आप चार्ज को ESU में ले रहे हो, इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट में ले रहे हो, एंड मीटर के अंदर लोगे, तो इसका इसको सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो CGS, तो CGS रखते हो, तो ESU इंटू सेंटीमीटर होगा। बट वन कूलम्ब इंटू मीटर, इतना आप समझ रहे हो ना, वन डिबाय इज इक्वल टू इतने कूलम्ब मीटर होता है। तो आपको जनरली इसका यूनिट हम मानते हैं डिबाय। क्लियर, ओके। ये डिबाय हम मानते हैं इसका यूनिट में, बहुत ही ध्यान रखना। अभी डिग्री, आप अभी अभी हमारा टॉपिक आएगा डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी है। ये डायपोल मोमेंट आप कैसे फाइंड करते हो, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी डिरेक्शन में दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अभी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, तो आपको समझ में तो आ गया दोस्तों, क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी सारे MCQs इसके ऊपर आएंगे, डिग्री ऑफ पोलैरिटी के ऊपर, इसके ऊपर डिग्री ऑफ पोलैरिटी। एंड उसे डायपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, डायपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल। पर उससे पहले एक बात याद रखना, ये जो म्यू देखा वो म्यू नेट, म्यू नेट अगर जीरो है तो उसे नॉन पोलर कंपाउंड कहा जाएगा। इससे हमें पक्का पता चलेगा कि ये नॉन पोलर है कि पोलर है। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो वो पोलर हो जाएगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो पोलर। तो म्यू नेट मैंने बोला है, हमने, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अभी मान लो कोई ए इधर है, इधर बी इधर है, एंड एक सी इधर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक ही डायरेक्शन में ये भी डायपोल मोमेंट होगा, एक डायरेक्शन में ये भी डायपोल मोमेंट होगा। इसको मैं म्यू वन कह दू तो ये क्या होगा, म्यू टू होगा। इसको मैं म्यू वन कह दू ये क्या होगा, म्यू टू होगा। तो टोटल म्यू नेट, म्यू नेट को क्या कहते हैं? अभी आपने देखा कि दोनों वैक्टर का एडिशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, पढ़े थे आपने फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा था कि नहीं, दोनों वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, क्या होता है, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू इंटू म्यू वन म्यू टू कॉस अल्फा अंडर रूट के अंदर। क्लियर, पढ़ा था कि नहीं है, दोनों फिजिक्स में पढ़ा है ना दोस्तों कि दोनों वेक्टर का एडिशन। तो ये म्यू नेट है, ये म्यू नेट है, ऐसे हम म्यू नेट फाइंड करते हैं, टोटल डायपोल मोमेंट इसका भी और इसका एडिशन करेंगे। उसके लिए रूल ये है, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस अल्फा। इतना तो आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो याद ही होगा आपको, तो इसमें कुछ ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो याद ही होगा। अगर इसके ये फॉर्मूला के अंदर, चलिए पहले फॉर्मूला को समझा दें, इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स, चलिए ये जो एंगल बनता है दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं।
अगर अल्फा जीरो है, इट मीन्स क्या ये और ये दोनों डायरेक्शन सेम ही है, इसके ऊपर ही है दूसरा, इसके ऊपर ही है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, ये एक की एक के ऊपर ही एक है, लाई कर रहा है। तो अगर अल्फा जीरो है तो देखो म्यू नेट, समझना, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, तो म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू इंटू म्यू वन म्यू टू कॉस अल्फा। अभी कॉस की वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो आपको पता है कि कॉस जीरो क्या आता है, कॉस जीरो वन आता है, वन आता है ना, तो क्या लिखेंगे देखिए, तो म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू लिखेंगे, क्योंकि कॉस जीरो तो वन हो गया। अभी इससे आपको कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, कि म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर, एंड ये रूट निकालूंगा तो स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो म्यू नेट क्या मिलेगा हमें, म्यू वन प्लस म्यू टू मिलेगा। जब म्यू नेट, जब अल्फा जीरो होगा तब म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू वन प्लस म्यू टू। इन दोनों को खाली ऐड कर दूंगा, कब, जब अल्फा जीरो होगा, ये कंडीशन के अंदर, दोनों के दोनों इधर, तो अल्फा इधर जीरो हो रहा है, तब जाके म्यू नेट क्या मिलेगा, म्यू वन प्लस म्यू टू मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या कह रहा हूं। अगर अल्फा 180 होता, अगर अल्फा 180 डिग्री है, इट मींस दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिस्टेंस आ रहा है 180 डिग्री, आप देख रहे हो ना 180, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, तो क्या करोगे, तो आप कॉस 180 इधर रखोगे यार, तो उसके लिए म्यू नेट आप सॉल्व करना, मिल जाए कॉस माइनस वन होता है, पता है ना, 180 180 माइनस वन होता है, इधर माइनस साइन आएगा, तो खाली इधर फर्क क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए म्यू नेट कॉस 180, इट मीन अल्फा 180 है, तो उसके लिए म्यू नेट क्या आएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू आएगा, सिंपल है। तो ये एक खाली न्यूमेरिकल में आएगा, इसके लिए मैंने बताया दोस्तों, बाकी आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा उससे हो जाएगा, तो उसको आपको कितना है वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अल्फा वाल्फा दिया हो, ये तो न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया है ऐसा, इसलिए आपको बताया, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया आपको। ठीक है, मेरा काम है आपके कंसेप्ट क्लियर करना, ट्रिक भी बताऊंगा, अभी ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए, म्यू नेट ऐसे फाइंड किया जाता है, दो वेक्टर का एडिशन है, तो डायरेक्ट म्यू वन प्लस म्यू टू नहीं कर सकते, ऐसे करना पड़ेगा, एंड वो अल्फा पे डिपेंड करेगा, दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जाने दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको जाने दे रहा हूं। ओके चलिए, तो अभी आपको दो मिनट लगेंगे समझने में यार, ओके, फिर बाद में एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लेंगे, इट मीन सारा पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि म्यू नेट जीरो है, म्यू नेट जीरो है, म्यू जीरो है ऐसा नहीं कहा, म्यू नेट जीरो है तो नॉन पोलर होगा, अगर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, पोलर होगा। तो क्या होगा दोस्तों, पोलर होगा। तो अभी मैंने ये भी बताया कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री है, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो वो क्या बनेंगे, नॉन पोलर बनेंगे, एंड अगर इरेग्युलर ज्योमेट्री है तो वो क्या बनेंगे, पोलर। तो इतनी बातें हमें याद रखनी, इतनी बातें हमें याद रखनी। चलिए H2 बताइए, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो सीधा ही पता चल जाएगा, H2 की बात कर रहे, Cl2 की बात कर रहे, Br2 की बात कर रहे, I2 की बात कर रहे, इसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इट मींस एक टाइप के दो, होमो सेम। ठीक है, तो ये सारे आप देखिए कि भाई ये रेगुलर ज्योमेट्री में आते हैं, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं है, तो वो तो नॉन पोलर है, तो इन सबके लिए म्यू नेट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, एंड ये सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, समझ लेना, हाँ समझ लेना। अभी मान लो कि सेम एलिमेंट नहीं है, हेट्रो एटॉमिक लेते हैं, हेट्रो एटॉमिक इट मीन्स अलग अलग, जैसे एच एफ ले लिया, एच सी एल ले लिया, एच बी आर ले लिया, एंड एच आई ले लिया। अभी बताइए, एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है, तो इधर आपको पता है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दोस्तों,
इधर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड पार्शियली ड्रैग टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इधर चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक ये बनेगा। इसमें भी क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें भी एक ऐसे डायपोल मोमेंट बनेगा, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अभी इसमें अगर आपको पूछा हो ऑर्डर कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और आपको ऐसा पूछा है कि कौन ज्यादा पोलर है, विच वन इज मोर पोलर, तो आप क्या करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पोलर है तो क्या करते हैं। तो अभी आप देखिए ये सारे के अंदर पोलैरिटी तो है, अभी किसमें सबसे ज्यादा है, तो वे ये हिसाब से फाइंड करना स्टार्ट करें। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर चार्ज ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो आप कह सकते हो कि म्यू भी ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो आप कह सकते हो म्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल है। अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका चार्ज भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आप समझिए ये फ्लोरीन की खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है सब में से, आपने देखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, इट मींस किसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज अक्वायर करता होगा कि नहीं करता होगा, इस सब में से कम, सबसे कम कौन करता होगा, ये अगर इसको नंबर दिए जाए 1, 2, 3 एंड 4 तो मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, इट मींस उसका चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर चार्ज के हिसाब से हम देखने जाए दोस्तों तो 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारा ऑर्डर बनेगा। HF का पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। बट अगर डिस्टेंस को हम देखें, क्योंकि डिस्टेंस भी तो बढ़ता है तो पोलैरिटी भी बढ़ेगी, तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, तो HI के अंदर, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो HI का डिस्टेंस के हिसाब से देखने जाए, अगर क्यू डिस्टेंस के हिसाब से देखने जाए तो 4-3-2-1 ऑर्डर बनता है। अगर डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर है तो 4-3-2-1 ऑर्डर बनेगा, अगर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है तो कौन सा बनेगा। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस तो बहुत कम कम बढ़ता है, आपने देखा होगा बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, वो तो बहुत कम होता है ना, वो तो पिकोमीटर में मेजर करते हैं हम बॉन्ड लेंथ किस में मेजर करते हैं दोस्तों, पिकोमीटर में मेजर करते हैं। तो आप सोचिए पिकोमीटर 10^-12 मीटर कितना कम वैल्यू होगा, ये कितना कम वैल्यू होगा। तो इसकी वजह से इधर डोमिनेटिंग फैक्टर हम लेते हैं क्यू को, हम किसको डोमिनेटिंग फैक्टर लेते हैं, क्यू को डोमिनेटिंग फैक्टर लेते हैं दोस्तों, क्यू को, समझ लेना क्लियर, ओके। क्यू को हम डोमिनेटिंग फैक्टर लेते हैं, इसलिए हमारा ऑर्डर ये बनेगा। तो आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आए तो उसमें आपको क्यू को डोमिनेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, एक्सेप्शन है आपको समझाऊंगा, एक्सेप्शन सारे बाद में बताऊंगा, पहले इसको करिए, ठीक है। तो क्यू डोमिनेटिंग, क्यू और डी में कौन डोमिनेटिंग होगा, क्यू, तो क्यू के हिसाब से ही हम देखेंगे, क्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, समझ में आया कि नहीं, इजी है कि नहीं, ओके। तो इन सब में किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, HF की ज्यादा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सारे कंपाउंड्स देखने हैं एंड सारे के सारे कंपाउंड हमें देखने हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये तो हेट्रो एटॉमिक की बात की हमने, ठीक है। अभी एक दो से ज्यादा एटम हो तो क्या करेंगे, दो से ज्यादा एटम इट मीन उसे पोली एटॉमिक कहा जाता है, तो दो से ज्यादा हो तो जैसे मैं सारे कंपाउंड लिखता हूं, पहले AB2 टाइप है, चलिए AB2 टाइप के कंपाउंड है, तो AB2 टाइप में कैसे कैसे कंपाउंड आ सकते हैं जरा बताइए। तो क्या BCl2 आ सकता है, फिर BBr2 आ सकता है, फिर CO2 आ सकता है, यस, फिर कौन सा आ सकता है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर
सी टू एच टू, बट हाँ चलिए ना सी एच सी टू एच टू, क्योंकि एक कार्बन के पास तो दो हाइड्रोजन है ना, इधर दूसरे कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, तो ये तीन के अंदर मुझे बताइए कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो BeCl2 का पहले तो स्ट्रक्चर बताइए, तो BeCl ऐसा होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी और सीएल में, सीएल का ऑफकोर्स आपको पता है सीएल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, एक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में। अभी आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो तो टोटल, चलो इसको म्यू वन कहते हैं इसको म्यू टू कहते हैं, बट ये दोनों सेम ही है, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू है ना, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही एलिमेंट के बीच में है, तो दोनों सेम ही लग रहा है, दोनों सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, म्यू नेट क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था बॉन्ड एंगल मैंने बताया था ना, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस अल्फा। अभी इनके बीच में एंगल देख के 180 होता है, एंगल देख के 180 होता है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आया था म्यू वन माइनस म्यू टू आया था म्यू नेट इज इक्वल टू, अभी दोनों सेम ही है तो ये तो क्या बनेगा जीरो बनेगा ना यार, समझे समझे कंसेप्ट समझिए आप, ठीक है तो ये समझ लिया आपने, तो ये म्यू नेट जीरो बन रहा है। इन शॉर्ट अभी आप याद रख के ऑपोजिट है, ऑपोजिट है 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ऑपोजिट है ऐसे है ऐसे है 180 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर दोनों सेम है दोनों सेम है तो म्यू नेट जीरो आने वाला है। क्यों आया ये कोई नहीं समझाएगा आपको, आपको खाली बता दिया जाएगा कि ऑपोजिट है तो जीरो, बट क्यों आया ये मैंने समझाया, जरा उसको समझिएगा उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो BeCl2 के अंदर म्यू नेट जीरो होता है। अभी CO2 के अंदर बात करते हैं, CO2 के अंदर हम कैसे बात करते हैं, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये सर ये स्ट्रक्चर कैसे पता चलेंगे, तो लुईस स्ट्रक्चर हमारा जिंदाबाद, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन जिंदाबाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें शेप पता चल जाएगा इसका कैसा होगा, तो ये सारी चीजों से हमें इसका शेप भी पता चल जाएगा। तो इधर तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये डायरेक्शन में एक जाएगा एक ये डायरेक्शन में जाएगा, देख सकते हो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो म्यू नेट आपका क्या आ जाएगा जीरो, दोनों सेम ही है, इधर म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू ही है, म्यू वन जितना है उतना ही म्यू टू, क्योंकि सेम एटम के बीच में लग रहा है, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो कि नहीं, तो इसके लिए ये भी जीरो होगा। अभी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच देखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अभी इसमें किसकी कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की, तो ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में, तो देख लीजिए ये ऑपोजिट, तो इसमें भी म्यू नेट क्या आएगा जीरो होगा, तो ये भी नॉन पोलर कंपाउंड होगा, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड और ये भी नॉन पोलर, तो आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एंड नॉन पोलर, तब आपको बताना पड़ेगा, तो ये ट्रिक आपको तब आजमानी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आ गया, चलिए अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एबी थ्री टाइप, तो एबी थ्री टाइप में क्या हो सकता है, तो BF3 हो सकता है, BI3 हो सकता है, BBr3 हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी देखिए, चलिए BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी आपको शेप पता होने चाहिए, शेप आप VSEPR थियरी से पढ़ के आए हो, ठीक है, तो वो आपको अप्लाई करना है, उसके बाद ये करना है। अभी आप समझिए कहां से कहां डायपोल मोमेंट होगी, एक यहां जाएगी और एक यहां जाएगी, तो अभी आप देख सकते हो, एक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपको पता है कि जब आप डायपोल मोमेंट करते हो तो ये दोनों की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको पता है ना, आप क्या करते हो, आपको फिजिक्स में पता है, तो ये दोनों की रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में होगी, कह सकता हूं ये दोनों की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में होगी, ये दोनों की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ये आपको पता है ना आप ये क्या बनाते हो ऐसे, यस, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल के डायरेक्शन में होगी इसकी डायपोल मोमेंट ये रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में होगी, इसकी रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में होगी, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, अगर फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, ऐसा याद रख लेना, अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, इधर एफ है, एक डायपोल मोमेंट ये, एक इधर है, तो इन दोनों की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कहां आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये म्यू वन होगा, ये म्यू टू होगा, और ये जो है वो इक्वल ही होंगे, इन दोनों की रिजल्टेंट आप देख सकते हो वो क्या हो जाएगी, इक्वल ही होगी, क्लियर, तो आप देख सकते हो इसमें भी म्यू नेट जीरो आएगा। सर क्यों जीरो आया,
तो इसमें अपना रेगुलर ज्योमेट्री वाला आइडिया लगा लेना कि भाई सेम एलिमेंट सेम बॉन्ड लेंथ, उसकी वजह से जीरो आया। बट ऐसे तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका रिजल्टेंट ये डिरेक्शन में, ये दोनों ऑपोजिट डिरेक्शन में सेम है, ऑपोजिट डिरेक्शन में सेम ही है बी और एफ के बीच का, और ये भी बी और एफ के बीच का, फिजिक्स का कंसेप्ट है, क्लियर। तो ये जीरो आएगा, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी मुझे बताइए SO2 और SO3 में क्या होगा, SO2 और SO3 में क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए SO2 में कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। SO3 में कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो SO3 में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इधर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अभी आप सोचिए रिजल्टेंट कौन से आएगा, इधर आएगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों अपोजिट डिरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डिरेक्शन में, तो आप देख सकते हो म्यू नेट क्या आएगा, जीरो आएगा, ये नॉन पोलर आएगा। समझ रहे हो ना, इधर एक लोन पेयर आएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चलेगा। तो एक सल्फर से ऑक्सीजन जाएगा, ये सल्फर से ऑक्सीजन है, सल्फर से लोन पेयर, ये एक अलग वाला है, सल्फर से लोन पेयर वाला एक अलग म्यू है, तो इसे म्यू डैश कह देते हैं। एंड ये म्यू वन म्यू टू, तो इसका रिजल्टेंट ये, तो ये म्यू वन। दोस्तों इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये म्यू नेट में मैंने जीरो कब आएगा, जब बोला था म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू हो, 180 एंगल में क्या होना चाहिए, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू होना चाहिए, बट इधर म्यू वन अलग है, म्यू वन डैश भी अलग है। समझ रहे हो, क्योंकि वो सल्फर और लोन पेयर के बीच का है, और ये और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का है, तो इसीलिए इधर म्यू नेट जीरो नहीं होगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये पोलर है। याद रखना, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। इधर SO3 जीरो आया म्यू नेट, SO2 जीरो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया दोस्तों, तो इसे समझिएगा कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये और ये, तो ये दोनों सेम ही डायपोल मोमेंट है, S और O के बीच की ही डायपोल मोमेंट है, तो इसलिए ये जीरो आया, इसलिए ये ऑपोजिट 180 डिग्री, म्यू वन माइनस म्यू टू जीरो, क्योंकि सेम है। अभी ये S और O के बीच का डायपोल मोमेंट है रिजल्टेंट, और ये लोन पेयर के बीच का पूरा अलग है, पूरा डिफरेंट है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो म्यू वन माइनस म्यू टू आपको जीरो नहीं मिलेगा, आपको म्यू का वैल्यू कुछ मिलेगा, इसलिए ये नॉट इक्वल टू जीरो, और ये पोलर है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्या है, पोलर है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी हम ए बी फोर टाइप के कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, चलिए एच टू ओ देख लेते हैं, अपने ए बी टू तो देख लिया ना, तो अभी ए बी थ्री ए बी फोर ही देखते हैं। चलिए डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके चलिए अभी हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात, एंड इंपॉर्टेंट वाली बात है ये ए बी फोर टाइप। ए बी फोर टाइप में कौन कौन, तो सी एच फोर होता है, सी सी एल फोर होता है, एस आई एफ फोर होता है, सेम एलिमेंट है, तो एच 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 और एच, आप देख सकते हो सारे के सारे इधर कार्बन की ओर फेंकेंगे, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, सबकी डिरेक्शन ऑपोजिट, 180 180 180 180 क्लियर, ऑपोजिट डिरेक्शन होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, तो म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है, सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, उसकी वजह से सी सी एल फोर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सी सी एल फोर में तो ये सारे बाहर की ओर जाएंगे, उसमें भी 180 डिग्री बनेगा, एंड सेम ही है डायपोल मोमेंट, सेम है, तो इसके भी अंदर म्यू नेट इज इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, जीरो बनेगा, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एफ फोर में भी आप कर सकते हो, क्लियर। बट अगर हम बात करें सी एच थ्री सी एल की, तो आप देख सकते हो सी एच 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 एंड सी एल, तो चलिए ये अगर मान ले ये दोनों इस साइड है, ये इस साइड है, बट ये दोनों जीरो हो जाएगी, बट ये दोनों जीरो नहीं होंगे, भले ही 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, बट ये म्यू डैश है और ये म्यू है, ये सी और सी एल के बीच का डायपोल मोमेंट है, ये सी और एच के बीच का डायपोल मोमेंट है, ये दोनों अलग है, तो म्यू वन माइनस म्यू टू जीरो नहीं होगा, तो ये म्यू नेट क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर, सॉरी पोलर कंपाउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, पोलर। तो सी एच थ्री सी एल पोलर है एंड वो पोलर नहीं है, क्लियर। अगर आपको सी एच सी एल थ्री भी दिया है, सी एच सी एल थ्री, तो आप देख सकते हो एक अलग है, तीन सी एल थे इधर, तीन हाइड्रोजन थे इधर, तीन सी एल थे, समझ में आया, क्लियर, ओके, इज इट क्लियर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी ए बी फाइव की बात करते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर से बता रहा हूं, तो ये ट्रीक है, याद रखना ए बी फाइव।
तो PCl5 की बात करते हैं। पहले PCl5 का स्ट्रक्चर समझिए, एक ऊपर एक नीचे और तीन ऐसे। तो एक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये डायरेक्शन में तो ये PPCl है, ये भी PCl है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये भी PCl, ये PCl 180 डिग्री बन रहा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसलिए टोटल न्यू नेट देखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड आया। कौन सा कंपाउंड आया? नॉन पोलर। आप शेप शेप देख रहे हो, शेप के हिसाब से मैं बता रहा हूं अभी। अगर AB6 है, अगर AB6 है जैसे SF6, तो उसका पहले आप शेप बताइए क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है ना, तो उसका क्या होता है? देखिए, एफ 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 एफ, ये पूरा एक अंदर एक ऊपर, एफ एक इसके नीचे, ये एस एफ 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 एफ, एक ऊपर एक नीचे। तो आप देखिए इधर फ्लोरीन के और ही जाएगा सारे। तो ये तो 180 180 0 180 180 0, ऊपर भी एक नीचे भी एक, सेम ही है 180 180। तो ये इसका ये क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम सारे एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो आप रेडी हो इसके लिए? ठीक है, थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबा होगा क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करके रखी है इसकी वजह से। ओके चलिए, तो अभी हम बात करते हैं। तीन कंपाउंड मैं आपको देता हूं, आपको मुझे बताना है उसमें से कितने पोलर है कितने नॉन पोलर है। जैसे मैंने बता दिया H2O की बात की, NH3 की बात की, CO2 की बात की, उसके बाद कोई अगर एग्जाम्पल लेना हो तो H2S की बात की, H2S भी ले लेते हैं, एंड CCl4। तो मुझे बताइए कितने पोलर है कितने नॉन पोलर है। तो पहले H2O, पहले तो आप वो ही कर लो ना, वो ही कर लो ना कि भाई क्या सिंपल। देखिए कि सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, यस है। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो इरेग्युलर ज्योमेट्री, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसके पास भी तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अभी CO2 है तो आजू बाजू सराउंडिंग एटम सेम है, बराबर दूसरे एटम के साथ सेम नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो CO2 CO2 ऑपोजिट 180 डायरेक्शन, तो ये भी म्यू नेट क्या आ गया आपका? जीरो आ गया, जीरो आया, नॉन पोलर आया। ये दोनों क्या आया? पोलर। ये भी स्ट्रक्चर से बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। ये H2S है, तो चलिए ऐसा है, दो लोन पैर है, एक लोन पैर इधर एक लोन पैर इधर। तो एक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप देख सकते हो, बॉन्ड एंगल 180 तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो म्यू मिलेगा, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही केस H2O के अंदर होता है, दो लोन पेयर है, जो तो मैंने H2O ही बताया, इधर O की जगह पे सल्फर लगा दो। ठीक है, तो सेम ही हो गया। इधर क्या होगा? इधर डायरेक्शन में इधर, बट डायपोल मोमेंट भी अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसे इधर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, NH3 के अंदर क्या बनेगा? इधर लोन पेयर है इसके अंदर, इधर H, इधर H, इधर H, तो एच से एन, एच से एन, एच से एन। बट ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों 180 जीरो नहीं होंगे, ये जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो नहीं होंगे क्योंकि लोन पेयर वाला है ये है। तो ये भी एक पोलर कंपाउंड है, तो ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये एक नॉन पोलर, ये भी पोलर और ये नॉन पोलर। हमने CCl4 अभी देखा, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ठीक है, डन। तो अभी इसके एक्सेप्शंस क्या है? तो एक्सेप्शन है XeF2, एक्सेप्शन है XeF2। तो XeF2 के पास आप देखोगे तो दो बॉन्डिंग पेयर है एंड तीन लोन पेयर है। कैसे बॉन्डिंग पेयर फाइंड करते, कैसे लोन पेयर फाइंड करते, मैंने सब कुछ आपको सिखा के रखा है। ठीक है, तो उनका ज्योमेट्री क्या बनता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उनका ज्योमेट्री पूछा है मैंने, शेप नहीं पूछा है। उनका ज्योमेट्री क्या बनता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो कैसे बनता है? तो भाई एक्सी इधर होता है, क्लियर। तो तीन लोन पेयर इधर आती है, एक एफ इधर और एक एफ इधर। जनरली इनका शेप आता है लीनियर, शेप आता है लीनियर। तो आप देखिए एक्सी से एक एफ जाएगा, एक्सी से एक एफ जाएगा, समझिए एक्सी से एक एफ गया, एफ गया, तो ये दोनों 180, तो इसका तो म्यूनेट जीरो हो गया। एक इधर लोन पेयर की ओर जाएगी, ये भी एक लोन पेयर की ओर, ये भी लोन पेयर, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगी 180। तो इसका म्यूनेट क्या आएगा? जीरो आएगा। भले ही हमने देखा था ना XeF2 है, तो जेनोन के पास तो लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है जेनोन के पास,
ओके सेम एलिमेंट है बट लोन पेयर है, फिर भी ये क्या हुआ नॉन पोलर। मैंने बताया था कि दिखता कैसा है इरेग्युलर ज्योमेट्री वाला, क्योंकि लोन पेयर है, फिर भी ये क्या निकला अपना नॉन पोलर निकला। पोलर होना चाहिए था बट नॉन पोलर, तो ये एक्सेप्शन है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। XeF4 में भी ऐसा है, तो इसीलिए आप ये मेथड से करोगे, ये मेथड कभी आपको झूठ नहीं बताएगी। ठीक है, तो XeF4 है तो उसका भी आपको पहले तो ज्योमेट्री पता लगाओ क्या होगा। तो ऑक्टाहेड्रल है, चार बॉन्डिंग पेयर है इसके अंदर, दो लोन पेयर है। तो अभी मैंने बताया XE इधर, तो इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो ये सारी डिरेक्शन में गया। ठीक है, एक ऊपर गया, एक नीचे, सारा देख सकते हो ऑपोजिट है, तो इधर भी म्यू नेट क्या बनेगा, जीरो। भले ही इसके पास लोन पेयर है, भले ही इसके पास लोन पेयर है, तो ये इरेग्युलर ज्योमेट्री होना चाहिए, दिखता पोलर है बट एक्चुअली में वो कैसा है, तो एक्चुअली में वो नॉन पोलर पार्ट है। ये क्या है, नॉन पोलर। तो दोस्तों ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, CF, CCl, CBr, Cl, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। इधर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या बनेगा दोस्तों, इधर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या बनेगा दोस्तों, बताइए मुझे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या बनेगा। तो आप सिंपल कह सकते हो डायपोल मोमेंट में म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, तो क्यू इसका ज्यादा है, तो जनरली ऑर्डर क्या बनना चाहिए, सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई, ऐसा बनना चाहिए। यस और नो, यस और नो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ऐसा। ओके, हमने देखा था कि नहीं ऐसा बनना चाहिए कि नहीं। ओके चलिए गुड। तो अभी अगर 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 अभी बट ये एक्सपेक्टेड है, तो रियलिटी क्या है, तो CCl, CF, CBr, Ci, ये रियलिटी है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। तो क्यों, क्या हुआ कि फ्लोरीन और क्लोरीन में हम डिस्टेंस को भी ध्यान में देंगे, खाली किस में, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में, खाली किसमें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में हम डिस्टेंस को भी ध्यान में देंगे। ठीक है, तो ये उसका ओरिजिनल ऑर्डर है, ये एक्सेप्शन केस है, याद रखना, ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। ठीक है, ओके, तो इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे कंपाउंड हम सॉल्व करते हैं। थोड़े बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, वो जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप इससे बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे, अभी कुछ नए लगेंगे बट देखते हैं, अभी कुछ नए लगेंगे आपको, बट हम बहुत ही डिटेल में इसका स्टडी करते हैं, देखते हैं। अगर ऐसा दिया है C डबल बॉन्ड, सी एच एच, इधर सी एल, इधर सी एल, तो इसे सीस कहा जाता है, सीस, ये सीस कंपाउंड है। क्यों सीस कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक लाइन बना दो, तो ये लाइन के आप समझिए, सॉरी, इसे ट्रांस कहा जाता है। अब मैं दो कंपाउंड बताता हूं आपको, चलिए, सी एल सी एल एच एच, तो ये जो है इसे सीस कंपाउंड कहते हैं, इसे ट्रांस कहते हैं। ये क्या होता है, सीस, और ये होता है ट्रांस, ये ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। तो ये लाइन है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन इस साइड, दोनों सीएल इस साइड, तो उसे सीस कहेंगे। अगर दोनों सीएल ऑपोजिट साइड है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। दोनों एच ऑपोजिट साइड है तो क्या कहेंगे, इसे ट्रांस कहेंगे। अभी मुझे बताइए ये सीज है कि ट्रांस है, तो ये एक भी नहीं है। क्यों एक भी नहीं है, क्योंकि इधर देखिए एच के ऑपोजिट में एच है, नहीं है, Cl के ऑपोजिट में Cl है, नहीं है, दोनों सेम भी नहीं है, तो ये तो नहीं है भाई, ये अपना सीज भी नहीं है, ट्रांस भी नहीं है। तो आइए देखते हैं सीज और ट्रांस की कुछ बातें देखते हैं। इधर डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, ये वाला ये डायरेक्शन में, ये वाला ये डायरेक्शन में, ये वाला ये डायरेक्शन में, देख सकते हो 180 सेम वाला तो जीरो, 180 सेम वाला तो जीरो, इटमीन्स इसके अंदर म्यू नेट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो म्यू नेट जीरो मिलेगा, तो ये ट्रांस वाले कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इधर देखिए जरा, CCl, CCl, HC, HC, बॉन्ड एंगल ही डिफरेंट है, अल्फा ही डिफरेंट बन रहा है, 180 नहीं बन रहा है, अल्फा डिफरेंट बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सीस वाले कंपाउंड क्या होंगे, पोलर होंगे।
हमेशा याद रखना। तो डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी, सीस की ज्यादा होगी ट्रांस से, सीस की ज्यादा होगी ट्रांस से। अभी बताइए, चलिए अभी आप ही थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, मुझे बताइएगा ये दोनों कंपाउंड में से, ये दोनों कंपाउंड में से किसकी डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो एक इधर से इधर आएगा, एक इधर से इधर के। सर इधर क्या हुआ, दोनों तो कार्बन ही है। बट मैंने बोला था ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मैंने बोला था, बात याद रखना, s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो sp2 में s कैरेक्टर 33% होता है, इसमें 25% होता है। तो यहां से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये डायरेक्शन में जाता है। तो डबल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp 180 डिग्री, सॉरी दैट मींस इसका s कैरेक्टर 50 डिग्री, तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। ठीक है, ओके। तो इधर भी ये डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी ये डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, 180 डिग्री का एंगल है, तो म्यूनेट जीरो। तो ये ट्रांस हो गया ना, तो ट्रांस के लिए म्यूनेट जीरो ही आने वाला। ये सीज हो गया, ये सीज हो गया, तो ये एंगल डिफरेंट है, तो ये म्यूनेट, ये पोलर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पोलर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी बेंजीन के कंपाउंड्स देखते हैं, वो ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तब क्लियर होगा, बट मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्गेनिक के भी पूछे हुए हैं, तो फिर आपको क्या कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ने सिखाया नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए, तो ये होता है एक सीएल ऐसा कंपाउंड दिया है, देखिएगा सीएल एंड ये देखिए सीएल। तो ये तीनों में से कौन नॉन पोलर है, ये आपको फाइंड करना है, कौन नॉन पोलर है। तो देखिए ये सब जगह पे कार्बन है, आपको क्या समझना है, ये सब जगह पे कार्बन है, सब जगह पे कार्बन है। एंड हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड ज्योमेट्री प्लेनर होगी, क्या होगी, प्लेनर, इट मीन्स वो एक प्लेन में होंगे। तो ये एक प्लेन में है, एक सीएल ऐसे है, दूसरा सीएल ऐसे है, एक सीएल ऐसे है उसके बाहर, एक सीएल इसके बाहर है, समझ रहे हो आप, ये सीएल बाहर है, ओके। तो ये एक सीएल, ये एक इधर है, एक इधर सीएल, ऐसे है ये स्ट्रक्चर, ओके। तो सी से सीएल जाएगा, इधर भी सी से सीएल जाएगा, इधर से सी से सीएल, इधर भी सी से सीएल, इधर भी सी से सीएल। तो इसका रिजल्टेंट ये डायरेक्शन, इट मीन्स ये एंगल तो 180 बन नहीं रहा है, बट इसमें एंगल देखिए 180 बन रहा है, ऑपोजिट है, तो ये इसकी म्यूनेट क्या होगी, जीरो। ये अगर ये ऑपोजिट है तो 1-4 पोजीशन पे हो, 1 और 4 पोजीशन पे, तो उसे पैरा कहते हैं। 1 और 2 पोजीशन होता है उसे ऑर्थो कहते हैं, 1 और 3 पोजीशन होता है उसे मेटा कहते हैं। समझ जाओगे बहुत ही जल्दी, ऑर्गेनिक जैसे पढ़ेंगे समझ जाओगे। इधर खाली स्ट्रक्चर से पता कर सकते हो ये नॉन पोलर होगा, ये दोनों पोलर पार्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे पार्ट होंगे, पोलर पार्ट होंगे, समझ में आ गया। तो ये वाले जो कंपाउंड है वो आप ऑर्गेनिक में जैसे ही पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा उसकी भी डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर। अगर कुछ ऐसा है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, इसके अंदर OH है, इधर भी OH है, तो इसे ये क्या होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। तो दोस्तों ये पोलर कंपाउंड है, क्यों पोलर कंपाउंड है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है, O और H भी है, उसके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नो डाउट। यहां से यहां एक डायपोल बन रहा है यहां से, तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को जीरो कर रहे हैं, बट एक H से O भी डायपोल आ रहा है, एक H से O भी डायपोल आ रहा है, पर ये दोनों एक दूसरे को जीरो नहीं कर रहे, ये दोनों एक दूसरे को जीरो नहीं कर रहे, समझ रहे हो आप। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एडिशन होगा μ1+μ2, तो ये म्यूनेट जीरो नहीं आएगा, उसकी वजह से ये एक पोलर कंपाउंड है। ये सब लोग गलती करते हैं, याद रखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये क्या है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ लिया HF है, H2O है, NH3 तीनों पोलर है, किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर किससे पता चलेगा, चार्ज को हमें ध्यान में लेना है, चार्ज को, चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा एंड उसका म्यू भी ज्यादा। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एफ ओ और एन में, एफ की, खत्म बात। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, ये हो गया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। अगर ऐसा पूछा है H2O, H2S, H2SE, H2T,
इसमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों? तो इसमें मैंने आपको बता दिया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, ये ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्डर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, फिर मैं एक्सेप्शन वाला वो सीसीएल वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो वो आप याद रखना, ये भी याद रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो दिखाता हूं आपको। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आ रहा मजा, तो बहुत ही इजी पार्ट है ये आपको क्वेश्चन, इसके कोई भी बनेंगे आप सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी। ओके, तो चलिए अभी बताते हैं NH3 एंड NF3 में डायपोल मोमेंट क्या बनेगा। NH3, तो चलिए NH, H और H इधर लोन पेयर है, तो मैं इधर एक डायपोल मोमेंट बता देता हूं, और ये तीन डायपोल मोमेंट ये डिरेक्शन है। अभी NF3 इधर भी लोन पेयर होगी, ये F और ये F, तो इधर से दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। तो अभी इसमें देखा गया है कि दोनों तो पोलर है, इसमें से विच वन इज मोर पोलर, इसमें कौन सबसे ज्यादा पोलर है बताइए। तो वो कैसे पता चलेगा, किसकी म्यू नेट की वैल्यू ज्यादा है, किसकी म्यू नेट की वैल्यू ज्यादा है, उससे पता चलेगा। पर इधर आप कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसका वैल्यू जीरो होगा किसका नहीं होगा? तो आप समझिए, इसमें सब कहां जा रहे हैं, नाइट्रोजन के ओर जा रहे हैं, तो ये दोनों तो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इधर किसको ऐड करना पड़ेगा हमें, तो आप देखिए ये अलग है लोन पेयर वाला, ये हाइड्रोजन वाला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा, तो ये माइनस ये कुछ डिफरेंस मिलेगा, कुछ डिफरेंस मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं, कुछ डिफरेंस मिलेगा, समझ में आया कि नहीं? फिर से बताता हूं, ठीक है, फिर से बताता हूं आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। N से H, H से N गया, ये तो जीरो हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो 180 पे आता है, तो जीरो हो गया। ये वाला जो है ये अलग अलग है, तो ये जीरो नहीं होंगे, इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी। इसमें भी ऐसा होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये नहीं, बट इधर NF है, इधर NH है, समझिए आप, इधर क्या है, एक NF है और एक NH है, तो मुझे बताइए क्या होगा उनके बीच में, एक NF है एक NH है, तो अगर NH3 के अंदर हम देखें तो उसकी डायपोल मोमेंट आती है 1.49 डिबाय, क्या आता है 1.49 डिबाय आता है, इसकी अगर देखने जाए तो 0.33 समथिंग आता है, ठीक है, 0.40 समथिंग आता है, अब 0.40 डिबाय जितना, तो ये डिफरेंस है, कौन ज्यादा, किसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू ज्यादा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ज्यादा में से ज्यादा तो वो कम मिलेगा, ज्यादा में से बहुत कम तो ज्यादा मिलेगा, ये ज्यादा है इसमें से कम है तो ये ज्यादा मिलेगा, ज्यादा में से ज्यादा कम मिलेगा, समझ रहे हो आप, बहुत ही बार बार पूछते हैं, ठीक है, ये अराउंड 0.40, अराउंड, परफेक्ट तो मुझे नहीं पता है, अराउंड 0.40 है, तो इसे याद रखना, समझ में आ रहा है, क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, एंड ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। फिर भी मैं आपको एक परफेक्ट डेटा दे देता हूं, ठीक है, बट ये आप रीजन समझिए कि NH है NF है, इधर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, समझ रहे हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, नाइट्रोजन से ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन से क्या है, कम है, वो नाइट्रोजन से क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने होंगे, तो ये फैक्टर अगर नहीं देखे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना आ रहा है, 1.49 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.49 जितना आ रहा है, एंड इसमें रिस्पेक्टिवली कितना आ रहा है, 0.40 समथिंग, क्लियर, कितना आ रहा है, 0.40 समथिंग आ रहा है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई रीजन नहीं होगा, ठीक है, इसकी वजह से मैंने आपको बताया, डन, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके,
तो आपको पूछे तो NH3 NF3 में कौन ज्यादा पोलर होगा, तो आप कह सकते हो कि भाई NH3 जो है आपका वो ज्यादा पोलर होगा NF3 से। क्यों? उसका रीजन मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूं, ज्यादा में से कम ज्यादा आएगा, ज्यादा में से ज्यादा कम आएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गए सारे उसके कंपाउंड की बात। अभी हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स किसके बेस पे आते हैं। तो इसके ऊपर से एक निकलता है फॉर्मूला, दैट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट। ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, इसे समझिएगा, अपॉन अपॉन डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड। इट मीन्स थियोरिटिकल, थियोरिटिकल डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड इंटू 100 इंटू 100, सिंपल बात है। तो ये आपको क्या मिल गया? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मिल गया, इतना तो पता चला ना आपको। ये आपको क्या मिल गया? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मिल गया। ओके, तो म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100, इतना याद रखिए। अभी इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है, तो आपको पता है कूलम में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम होता है, एंड ESU में वो चार्ज कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻¹⁰ ESU, बराबर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अभी क्यू हमेशा हम क्यू किस में लेंगे, ESU में लेंगे, एंड डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में ही लेंगे, याद रखना। अभी ESU सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10⁻¹⁸ करेंगे तो हमें डीबाई मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? डीबाई मिलेगा, ये आप याद रखना। ESU सेंटीमीटर अपॉन 10⁻¹⁸, तो डीवाई मिलेगा हमें। ठीक है, इतना उनका डिफरेंस होता है, ये 10⁻¹⁰, ये सब निकाल के, ठीक है, तो इतना डिफरेंस इसका होता है। आइए उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इन शॉर्ट आपको यूनिट्स बहुत ध्यान से रखने हैं, कूलम में रख रहे हो तो कूलम में, ESU में रख रहे हो तो ESU में। मैंने आपको आगे ही बताया 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू कितने डिबाई होते हैं। ओके, तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट आपको दिया गया है 1.2 डिबाई। बॉन्ड डिस्टेंस, इट मीन्स बॉन्ड लेंथ दिया गया है 1.0 एंगस्ट्रॉम, इट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको 1.0 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ओके, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट, कितना ई चार्ज रहेगा वो आपको फाइंड करना है। तो पार्शियल चार्ज इज इक्वल टू क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, डायपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू अपॉन डी आएगा, सिंपल बात है ना। तो डायपोल मोमेंट कितना दिया है, डी बाय में दिया है, इसको ESU में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻¹⁸ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.2 इंटू 10⁻¹⁸ ESU में आ गया। डिस्टेंस किसमें लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, बट ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो आप क्या करोगे, 1 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, तो 10⁻¹⁰ मीटर, 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, तो -8 इधर मैं लिख रहा हूं सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये कितना मिलेगा आपको, 1.2 × 10⁻¹⁰ ESU, कितना मिलेगा दोस्तों, 1.8 × 10⁻¹⁰ ESU। अभी फ्रैक्शन पूछा है आपको, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पूछा है, फ्रैक्शन हमेशा किसमें होता है, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज इंटू 100, वो फ्रैक्शन होता है, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज इंटू 100 वो फ्रैक्शन होता है ना, सिंपल है। तो चार्ज कितना है आपका, 1.2 × 10⁻¹⁰, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, क्लियर, टोटल चार्ज आपको पता है 4.8 × 10⁻¹⁰ क्या आएगा, 4.8 × 10⁻¹⁰, तो ये आपको कितना मिलने वाला है, 25%, 0.25% में फाइंड करो तो 25 आएगा। तो आप बोलोगे मुझे कि सर ये 4.8 × 10⁻¹⁰ कहां से लाए, 4.8 × 10⁻¹⁰ कहां से लाए, चले बताइए, बहुत ही आसान है यार। ठीक है, अभी ऐसा मत पूछ लेना ऐसा सिंपल क्वेश्चन कि 10⁻¹⁰ कहां से लाए, ठीक है, ओके, बराबर है। तो ये कितना आएगा, 25% आएगा, 25% आएगा, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो
तो अगर ये याद है तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं समझा दूंगा। बाकी सिंपल है, 4.8 × 10⁻¹⁰ कहां से है, ठीक है। ओके, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो भी आप याद रखना, कैसा है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके दोस्तों, तो आपके आशा रख रहा हूं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड डायपोल मोमेंट के ऊपर से कोई भी न्यूमेरिकल हो आप उसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये जो भी कंसेप्ट था, अगर आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, अगर इसको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। बट जिसको जिसको ये भी समझ में आ गया मुझे बताइएगा कि आ गया, ठीक है। ओके, ये भी समझ में आ गया तो मुझे बता देना कि ये आ गया। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पूछा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर नहीं पूछा है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा होता तो हमें म्यू एक दिया होता और एक हम फाइंड करते, एंड उसमें चार्ज दिया होता, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके म्यू फाइंड करते, फिर ऑब्जर्व अपॉन गिवन इनटू 100, तो हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मिलता। अभी हमें फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पूछा है, तो ये जो चार्ज आया वो एंड टोटल चार्ज, क्लियर। आपको पता है फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, तो 25% जितना मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।